तो हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आप लोग वीडियो का इंट्रो कैसे बनाएंगे काइन मास्टर के थ्रू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, नहीं तो कोई नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों पहले काइन मास्टर ओपन करना पड़ेगा, तो मैं काइन मास्टर अभी ओपन कर लिया। इसके बाद मुझे अपना जो यूट्यूब का फ्रेम है यहाँ पर क्लिक करके ले लेता हूँ। देखिए न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर 69 में या इसको मैं ले लेता हूँ। देखिए ये मेरा जो फ्रेम है वो आ गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे मीडिया में क्लिक करना होगा। देखिए मीडिया में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड दिखा रहा है, यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो मैं क्लिक करके यहाँ पे जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हुआ। देखिए इसको क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पर जो कोने में टिक वाला ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर टिक करके आपको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद इसको क्लिक करके थोड़ा हम लोग को स्क्रॉल करके थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक वाला बैकग्राउंड, इसको ले लिया। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर में क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए लेयर, लेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मीडिया वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे मीडिया में क्लिक करने के बाद आपको अपना जो वीडियो का टेम्पल है यानी इंट्रो का टेम्पल, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ये मेरा गैलरी है। आप वीडियो का टेम्पल का लिंक मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो का टेम्पल, ये देखिए ये है वीडियो का टेम्पल। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद इसको क्लिक करने के बाद हमको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। तो इसको क्लिक करना होगा। देखिए इसको क्लिक करने के लिए इसके बाद इसको क्लिक करना होगा। देखिए हमारा जो टेम्पल है फुल स्क्रीन हो गया है। देखिए कैसे लग रहा है, देखिए देख ही सकते हो दोस्तों, ये हमारा टेम्पल। इसके बाद दोस्तों इस टेम्पल तो सेट हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो चैनल का लोगो है इसको सही से आपको यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। इसके पहले दोस्तों आपको क्रोमा की ऑन करना पड़ेगा, इसलिए आपको इस टेम्पल के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके क्रोमा की को ओपन करना पड़ेगा। देखिए क्रोमा की ओपन हो गया। इसके बाद हम लोगों को हमारा जो चैनल का लोगो यहाँ पर सेट करना होगा ठीक से। देखिए लेयर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर मीडिया में क्लिक करना होगा। देखिए मीडिया में क्लिक करने के बाद आप अपना जो चैनल का लोगो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए मैं मेरा चैनल का लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरा चैनल का लोगो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको इसको ठीक से सेट करना पड़ेगा, तो मैं सेट कर देता हूँ। देखिए मैं सेट कर दिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको चैनल का नाम डालना पड़ेगा। देखिए तो मैं मेरा चैनल का नाम डाल देता हूँ। देखिए फिर नीचे डाल देता हूँ। इसको फिर से हम लोगों को सेट कर लेना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो चैनल का जो नाम है वो दे दिया। इसके बाद थोड़ा इसको स्टाइलिश लिखते हैं नाम को। ये देखिए टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलिश करना, तो ये वाला स्टाइलिश ले लेते हैं। देखिए ये वाला स्टाइलिश हो गया दोस्तों। इसके बाद जो चैनल का जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं। देखिए कलर यहाँ पे क्लिक करने से आपका टेक्स्ट कलर हो जाएगा। देखिए मैं रेड वाला ले लेता हूँ। देखिए रेड वाला ले लिया। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें ये देखिए कैसे लग रहा है। देखिए पहले देखिए दोस्तों ये ठीक सेट नहीं हुआ है। इसको सेट करने के लिए पहले हम लोगों को वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए इसके बाद हमारा जो लोगो है इसको थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए हमारा जो लोगो है तो सेट कर लिया दोस्तों। इसके बाद हमको थोड़ा एनिमेशन देना पड़ेगा। एनिमेशन देने के लिए हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए ये वाला एनिमेशन दे दिया। इसके बाद हमारा जो चैनल का जो टेक्स्ट है इसको भी एनिमेशन दे देता है दोस्तों थोड़ा। तो एनिमेशन दे दिया दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों कैसे हुआ है हमारा इंट्रो। देखिए दोस्तों दोस्तों हो गया। इसके बाद दोस्तों इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जो कोने में ऑप्शन दिखा रहा है काइन मास्टर का, यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो शेयर वाला ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देने से आपका जो चैनल का जो वीडियो है इंट्रो है ये अभी सेव हो जाएगा आपका गैलरी में। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ऐसे नया नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना। और विदाउट
वाटरमार्क काइनमास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप जाके डाउनलोड कर लेना।